चेतावनी, वार्निंग, भड़ुए गद्दार गांडू हरामखोर और लवड़ू इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर आगे देखते हो और अगर गांडू और गद्दार हो तो आज कान और गांड दोनों से खून निकलने की ज़्यादा आशा है। दूसरा, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ लेडीज से, पूरी महिलाओं से, क्योंकि हो सकता है मेरी भाषा आपको पसंद ना आए, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आज सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सिर्फ मेरी है लेकिन गुस्सा पूरे देश का है, चेहरा सिर्फ मेरा है लेकिन स्वाभिमान पूरे देश का है। और कोई मुझे ये कमेंट्स में जो ज्ञानी लोग बैठे रहते हैं वो लिखने के लिए कि जो लोग गाली बकते हैं वो औरतों का सम्मान नहीं करते, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाली नहीं बकते हैं वो बड़े शरीफ लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी में बकने वाले को डूड कहा जाता है, हिंदी में जो बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, अनपढ़। ठीक है, हम वही सही, लेकिन आज देश की बात करेंगे। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो ना देखें। आज तो मिट्टी की कसम है, जो बात करूंगा कड़वी करूंगा, देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है, ना इनवाइट किया गया ना करना चाहते हैं। तो आप अगर एक सच्चे देशभक्त हैं, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि यूनिफॉर्म, क्योंकि पहले ये जंग जो थी वो सिपाहियों के बीच में थी, देशों के बीच में थी, अब ये पर्सनल हो चुकी है। और हर वो आदमी जो राष्ट्रभक्त है, आज मैं उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ, उस देशभक्त की तरफ से बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग बैटल विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री राइट नाउ। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल विच इज हैपनिंग एंड विच इज गोइंग ऑन, एंड द बैटल इज पेट्रियट्स वर्सेस ट्रेटर्स, गद्दारों और देशभक्तों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो देशभक्त तो ये थे, अब गद्दार कौन है? मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, हर वो आदमी, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे सिंपल साधारण एक जनरल पब्लिक हो, चाहे एक ऑफिसर हो, चाहे वो किसी मीडिया हाउस का बैठा हुआ बॉस हो, चाहे वो किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, हर वो आदमी जो इस देश के सिपाही का सम्मान नहीं करता है, उसकी शहादत का सम्मान नहीं करता है, और यहाँ बैठ के हमारी रोटी खा के अपने नाजायज बाप पाकिस्तान की तरफ से बोलता है, हर वो मादर चोद, हर वो बहन चोद गद्दार है इस देश का, और मेरे लिए वो देशद्रोही है। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं चैनल पे, और वो भी आदमी, गद्दार कौन है बे, जो यहाँ की फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन यहाँ की चाहिए, हमारा टैक्स पर, एक भारत के आम जो नॉर्मल बंदा है, जो मेहनत करता है, मिडिल क्लास का आदमी, उसके टैक्स पर तुमको पढ़ाई चाहिए, और तुम उसके बाद चैनल्स पर बैठ के बुरहान वानी जैसे मादर चौदों को टेररिस्ट, एक नहीं जितने आएंगे बहन चौद गांड में घुसड़ देंगे, उतनों को मारेंगे मादर चौदों को, समझ में आए बे? उनको जो बैठ के बताते मासूम लोग थे, बहन चौदों पता क्या है तुमको कश्मीर के बारे में बे? अंदर की कंडीशन पता है तुमको? जो गुमराह करते हैं इस देश के बच्चों को, उनको स्कूल कॉलेजेस नहीं जाने देते और अपने लौंडों को विदेश में पढ़ाते हैं। मेरे लिए हर वो मादरचोद, हर वो आदमी गद्दार है जो यहाँ बैठकर यहाँ की रोटी खाकर, चाहे कहीं पर भी बैठे, किसी भी लेवल का हो, चाहे अंग्रेजी में बोले चाहे हिंदी में बोले, जो भी पाकिस्तान की इस हरकत का, और मेरे उन भाइयों को सोते हुए मारा जिन मादरचोदों ने, उनकी तारीफ करने वाला वो हर आदमी गद्दार मादरचोद, इस देश का राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है बैनचोद, मैं हमेशा कहता हूं। और मैं ऑपरेशंस जो थे, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, कोई भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस है ठीक है, वॉर है, इफ इट्स अ वॉर जोन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तुम हमारे मारोगे हम तुम्हारे मारेंगे, इक्वालिटी है, युद्ध है, लेकिन यहां पहली बार था कि युद्ध के नियम तोड़े गए, इसलिए बात करना पड़ेगी आज। यार सोते में तुमने हमला किया और सामने से मारो ना बे, तुम्हारी भी इज्जत है, तुम भी सिपाही थे, बहुत पहले इसके इज्जत कर ली, टेररिस्ट की इज्जत नहीं, सिपाही होते हैं एज अ सोल्जर, मैंने पिछले वीडियो में कहा कि मैं इज्जत करता हूं किसी भी देश का सिपाही हो। अबे तुम क्या बात करते हो बे, तुम तो मुर्दे नहीं अपनाते हो, हमने फिर भी इज्जत की, बोला तुम्हारी तारीफ की, सबकी तारीफ की, लेकिन अब युद्ध के नियम टूट चुके थे, लाखों ईमेल आए हैं, 7 लाख से ऊपर ईमेल हैं, पूरी टीम पागल हो चुकी है जब से हमला हुआ है कि सर अब कुछ बोलना पड़ेगा, और आज बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जवाब देना पड़ेगा कुछ बड़ुओं को, अब पता नहीं इनको क्या बोलूं, समझ में नहीं आता, क्योंकि एक वीडियो में मुझसे गलती हुई थी, मैंने कुत्ता बोल दिया था एक आदमी को, उस भड़ुए को कुत्ता बोल के ना मुझे गम हुआ, क्योंकि जब मैंने घर जाके अपने वो दो शेर देखे ना, कुत्ते देखे, जब घर के देखे वो बच्चे, तब लगा कि यार कुत्ते से तो वफादार कोई होता ही नहीं है, इन हरामियों को मैंने कुत्ता बोल के ना, उस कुत्ते की जात पे मैंने
मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। एक नेता है, एक सांसद है, एक स्पोक्स पर्सन है, उसने एक बात कही। क्या कही वो बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं उसने फेसबुक में ट्विटर में क्या शेयर किया और बेशर्मी से क्या लिखा और क्या कहा, उसका जवाब आज जरूरी है। उरी में मारे गए सारे सैनिक घूस देकर आर्मी में भर्ती हुए थे, अच्छा हुआ साले मारे गए, इस पर इतना हाय तौबा क्यों, भारत माता के लिए बोझ बने हुए थे, आतंकियों ने सही काम किया। इस आदमी ने एक दूसरे इंटरव्यू में एक और आइटम है, एक और है, उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भारत की तरफ से जो सिपाही मरे उरी में वो शहादत नहीं है, शहीद कौन हुए जो पाकिस्तान की तरफ से आए। ऐसा है नेताजी मादर चोद, हमको भी मौका दो ना तुमको ऐसा ऐसा इस टाइप का शहीद करने का बहन चोद। एक काम कर, सजेशन देता हूं, बहुत गांड में गूदा है ना, बोल मत बहन चोद, एक काम कर, अब तेरे पास जो सिक्योरिटी है ना पुलिस की उनको हटा और बाहर जाओ और एक सिपाही के परिवार से जिसका शहीद हुआ है उरी की छोड़ कभी भी, उसके परिवार से जाके जरा बोल, गांड में घुसड़ देंगे तो पूरी तेरी राजनीति जितनी तेरी चल रही है ना, अबे तेरे को शर्म आना चाहिए, देश का माहौल क्या है बे, आज देश गम में डूबा हुआ है और तुम जैसे भड़ुए मादर चोद, तुम लोग बहन चोद इसको अपनी मीडिया बाइट के लिए अपनी पब्लिसिटी के लिए तुम्हें पता है क्या दुख देते हो बे तुम। अबे पिछले हजारों बार बोल चुका हूं कुछ नहीं दे सकते हो तो मादर चोद इज्जत तो दो कम से कम शहीदों को। सुनो बे झाटू, मंत्री है जो तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा पद है, तेरा प्रोटोकॉल नहीं पता है तेरा ना, मेरे पास पूरी ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन सुन बहुत गांड में गूदा है तेरे को, बहुत चर्बी है ना, मेरे इसी में ईमेल आईडी आता है, मेरे चैनल का एड्रेस आता है, बहन चोद भेज वहां पर, अपना एड्रेस भेज और अपना नाम भेज, और तेरे को बहुत गर्मी है ना, अबे फौज ना गांड में नीचे डंडा डालेगी कान से निकालती, बहन चोद अभी फौज के मर्जी, तुमने फौज के भी मार नहीं देखी है ना, अभी तुमने हमारा सम्मान देखा है बहन चोद, तेरे को बहुत गर्मी है। जो तेरे पास पुलिस का कैडर मिला है ना, तो क्या कहता है कि पुलिस के जो है वो, एक और स्टेटमेंट दिया ना इसी आदमी ने कि सोते रहते हैं, है ना, एक और मादर चोद है दूसरा, वो पुराना वाला भड़ुआ साला जिसको अपन ने पहले भी बात किया था हरामी के बारे में, क्या कहता है कि पुलिस और फौज में वही लोग जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं या जिनके घर में कोई एक रुपए का पढ़ा नहीं होता है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ 10वीं 12वीं बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं वो लोग जाते हैं। सुन अब तेरे को बताता हूं, अबे छूतिए मादर चोद, तेरे को पता भी है फौजी होता कौन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भवन, हर राज्य का मुख्यमंत्री भवन, हर राज्य का सांसद पार्षद विधायक, हर राज्य का डेमोक्रेटिक जितना भी बड़ा आदमी हो, हर राज्य का संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो उसकी सुरक्षा में हर चौक पे खड़ा हुआ एक पुलिस का सिपाही, हर बड़े एस्टेब्लिशमेंट के सामने संतरी बन के खड़ा हुआ एक सिपाही। अबे तेरी औकात नहीं बहन चोद की तू उनके बराबर का बन सके, वो इस देश को चलाते हैं, तू अगर इन मंचों पे जाके इतनी बड़ी बड़ी बात कर पा रहा ना भोसड़ी के इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां सिपाही हर चौगड्ढे पर तेरे लिए खड़े और तेरे जैसे मादर चोदों को इतनी परमिशन दे रखी है, यही प्रॉब्लम है। जिस दिन छूट मिलेगी और जिस दिन सही मौका आया, याद रखना गांड में इतना बड़ा सुल्ला जाएगा बहन चोद, अभी तूने बहुत मोहब्बत देखी और बहुत हुआ सम्मान तुम्हारा मादर चोदों। एक और सेंटेंस बोला इसने बहन चोद ने कि पैसा देके घूस देके जाते हैं, अबे चूते तेरे पास दिमाग ले उड़े, बात एक्सट्रीम इनसेंसिबिलिटी की, अशुद्ध भाषा में चूतियापा बोलते हैं ना जिसको, वो ये इन जैसे बहुत बड़े बड़े होशियार हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि फौज में पैसा दे के जाते हैं और सोते हैं और राशन खराब करते हैं, राशन खाते हैं फ्री का, है ना। चलो इसका बड़ा सिंपल सा आप समझो, जितनी आपकी समझदारी है ना, अगर पैसा दे के जाना है तो फौज में क्यों जाएगा आदमी, मरने के लिए फौज में क्यों जाता है, फौज में कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, तुम्हारे जैसी नहीं है। और बोलते हैं हाँ एक और बात बोली कि आलसी है जो फौज में जाते हैं, वो लोग आलसी हैं इसलिए सो रहे हैं। बेटा तू बहनचोद, तू अपनी बात कर, अबे तेरे से तो दाढ़ी बनाता नहीं है रोज बहनचोद, तू क्या आलस की बात करता है बे, एक जगह पे 15 साल से डले हुए तुम जैसे भड़ुए इस देश का राशन खा रहे हो, हमारा टैक्स खा रहे हो, हमारी हर चीज खा रहे हो, उसके बाद बोलते हो बड़ा नेता और यूनियन वाले, बड़ी बात है तुम जैसे बड़े पदों पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पद मैटर नहीं करता बे, इज्जत कमाना अलग बात है, ताकत कमाना अलग बात है, तुम जैसे भड़ुओं की कभी इस देश में इज्जत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि
इस देश में अगर मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, उसको सुरक्षा कौन देता है? वो है सिपाही। बाहर से जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं वो दुश्मन है, उनसे लड़ना बहुत सरल है। तुम लोग साले जो अंदर गदर मचा के रखी है ना, उसके लिए एकाध ना एक दिन बहुत गलत होगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि बचा रहूँ, गुस्से में ना आऊँ, लेकिन अब लगता है कि अब कुछ ना कुछ, और जिस दिन होगा उस दिन पब्लिकली और बहुत गंदा होगा तुम्हारे साथ। क्यों फौज में जाता है? अबे वो बच्चा जिसको एक गरीब घर से आके पुलिस में या फौज में जाना पड़ता है ना, 3 बजे रात को उठता है वो बच्चा, जब बेंच और तुम लोग पार्टी कर रहे होते हो ना वहां पर अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, और अपने बड़े बड़े भवनों के अंदर, बड़ी बड़ी मेस में जब तुम पार्टी करते हो बेंच चौदह, अबे तुमको पता भी है सिपाही होता क्या है? क्योंकि सुनो, प्रॉब्लम यह है हमारे देश में, ना एक नेता का लौंडा आज तक सिपाही बना, ना आज तक ये भोसड़ी के जो यूनियन में बैठे हैं, कोई अमीर का लौंडा आज तक सिपाही नहीं बना। कहां गए वो मादरचोद बड़े बड़े अमीर? अबे भोसड़ी के खेल के लिए समय देने वालों को, मैच जीतने वालों को क्या मिलता है? इनाम मिलता है ना? और वहां जो जान अपनी बॉर्डर पे लगाते हैं -60-50 में, वहां लड़ रहा है आदमी, घूस देखे गया, चल माना बहनचोद तेरी बात, चल घूस देखे गया बहनचोद, तू दे देना मादरचोद, है गण में दम तेरी, तू जा घूस देखे बहनचोद उधर पे, एक दिन की नौकरी कर मादरचोद, अबे आर्मी की और कमांडोज की छोड़, स्पेशल फोर्सेज की बहनचोद, एक दिन मैं देता हूं चैलेंज, अबे तेरी पूरी जिंदगी की पेमेंट दूंगा इन भड़वे मादरचोद गद्दारों की, जा एक दिन ट्रैफिक पुलिस का काम करके देख मादरचोद, धूप में वहां खड़े होकर देख, पानी में खड़ा होकर देख, मुंबई पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक पुलिस के सिपाही का काम करके देख, फौज की तो बहुत दूर की बात है, तेरी गांड में इतनी दम रही है बहनचोद। और सुन, ये बात क्लियर सुन ले आज, तुम जैसे मादरचोदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है बहनचोद, जिस दिन मेरे सामने पड़े ना मादरचोद मारूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, पब्लिकली मारूंगा, अकेले कभी नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम जैसे आगे और पैदा ना हो बहनचोद। अबे मुझे तो शर्म आती है, माफ करना जिसने तेरे को पैदा किया ना, मां मुझे माफ कर दे, तेरे को भी नहीं पता था कि ऐसी मादरचोद औलाद पैदा करोगी मां आप, शर्म आती होगी उस मां को भी अपने कोख पे, जन्म पे, कि ऐसा गद्दार पैदा कर दिया बहनचोद को। सुन मादरचोद, जिस दिन मेरे सामने आया मारूंगा, घसीट घसीट के मारूंगा बहनचोद। और दूसरी चीज, 14 साल होती ना जमानत तो मिलेगी, आऊंगा तेरे जैसे और मादरचोदों को ढूंढूंगा, फिर मारूंगा बहनचोद, जाऊंगा 14 साल मंजूर है बहनचोद, क्रांतिकारियों का चेला हूं, जेल भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम जैसे गद्दारों को चुप करके रहूंगा, फिर मारूंगा, फिर जेल जाऊंगा, बाहर आऊंगा, जब जब आऊंगा मारूंगा मादरचोदों। दूसरी बात मुन्ना, हमें रोज सुबह से लेकर रात तक धमकी के कॉल आते हैं, और रही बात हमारी, मादरचोदों इतनी तैयारी के साथ चलते हैं, इतना जखीरा तो खुद लेके चलते हैं बे, इतना असला बारूद, मादरचोदों 1 किलोमीटर तक धुआं धुआं करूंगा जिस दिन मैं मारने पे आया बहनचोद। और ये दम बुलेट प्रूफ गाड़ी की नहीं है, बीपी की जिसमें बैठ के घूम रहा हूं, गाड़ी के बाहर आने के बाद भी जगह बोल तू बहनचोद, नाम बता उस जगह का, अकेला आऊंगा मादरचोद, ईमेल कर, फोन नंबर ले मेरा, लिख चैनल पे अपना एड्रेस, आऊंगा मारूंगा बहनचोद को उसके तेरे को। लेकिन सुन, तुम जैसे जितने मादरचोदों सिपाहियों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में बोलना बंद करो मादरचोदों, वरना मेरे जैसे बहुत पागल है, एक को काटोगे 1000 खड़े होंगे, हर बार पैदा हुए आगे भी होंगे, मार डालूंगा बहनचोद तुम जैसे एक एक को। मैंने बहुत कोशिश की है कि वो गुस्सा ना दिखाऊं, अच्छे से प्यार से बात करूं, लेकिन अब ये लड़ाई जो थी, पहले लड़ाई फौज की या सल्तनत की या देशों की थी, बात अलग है, अब ये लड़ाई भारत के, हिंदुस्तान के हर सिपाही की नहीं रह गई है, ये लड़ाई हो गई हर हिंदुस्तानी की। क्यों? क्योंकि तुमने जंग के नियम तोड़ दिए, तुमने यार सोते हुए मारा, बात यह है उन 17-18 या उन 50 लोगों की नहीं है जो अभी मारे गए, बात यह है कितने तक यार, कब तक सहन करेंगे, अब नाउ इट इज द राइट टाइम टू रिटेलिएट एंड रिमेंबर, बट यू विल हैव टू पे फॉर इट। याद रखना, कुछ व्हाट्सएप और फेसबुक वीर आए हैं आजकल, बहुत बड़े बड़े योद्धा कुछ भी लिखते हैं, मैं उस यूथ को ये मैसेज मेरा बहुत जरूरी है, रिमेंबर फेसबुक और व्हाट्सएप पे जंग नहीं लड़ी जाती है, ठीक है, आप तैयारी कीजिए। जैसे यूथ की बात है, अभी एक बात करिए, एक बानी, अभी एक बंदा जो बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट बना है नया लड़का,
आपको पता है वो भी जम्मू कश्मीर से आता है, उसने तैयारी की, उसने दूसरा रूट लिया, वो आज एक ऑफिसर बना, ही कैन एक्चुअली मेक सम डिफरेंस। वहां बैठे बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप, गाली मत बको, अपने दुश्मन है जो भी है गाली मत बको, मतलब फेसबुक और इस पे, ठीक है मैंने बाकी मैं मानता हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छूटा था। बहुत सारे ईमेल्स आए, लाखों ईमेल आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं व्हाट्सएप, हमारे जो जितने भी चैनल्स हैं उस पर आ रहे हैं। अब ये गलत बात है और उसको मुझे कंडेम करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, स्पेशली यूथ को। अब बहुत सारे लोगों ने लिखा सर पाकिस्तान को उड़ा दो, पॉइंट ब्लैंक मार दो, पूरा पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक कर दो। यार वॉर ऐसे नहीं होती है, पहली चीज़, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट। डेमोक्रेटिक लेवल पर अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फौज को अपना मूवमेंट करना है, वो अपने हिसाब से करेगी ना, व्हाट्सएप और फेसबुक के हिसाब से फौज नहीं चलेगी, स्पेशली जो इंडियन स्पेशल फोर्सेज हैं या वर्ल्ड वाइड जो भी स्पेशल फोर्सेज होती। पहली बात, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम तो कोई उल्लंघन ना करें, और अगर करेंगे भी तो पता नहीं चलता पहली बात, और पता होने भी नहीं देंगे इस बार जो कार्रवाई होगी। नाउ पाकिस्तान उड़ा दें, यार वहां पे भी मासूम लोग हैं, जंग पाकिस्तान में रहने वाले मासूम और नॉर्मल लोगों की, पाकिस्तान के आम आदमी की नहीं है और हिंदुस्तान के आम आदमी की नहीं है, लेकिन अब आपने बना दी है ये जंग। बट हम अभी भी कहते हैं कि जंग से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, तुमने हम पे पांच थोपी पांचों बार हारे हो, लेकिन इससे किसी का फायदा नहीं होता है। कोशिश करना, दुआएं करना, जितनी हो शिद्दत से दुआएं करना कि कभी जंग ना हो, क्योंकि उससे किसी का फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। बातचीत से अगर बात बन रही होती तो ये मुद्दा नहीं आता। हम लोगों ने तो हर बार कोशिश की, तुमने नियम तोड़े, अब हड्डियां तोड़वाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है, अभिमान बहुत होता है अपने में। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, हाँ समझ में नहीं आया ना, बताता हूं। अबे हमारे इधर तो बेवड़े भी होते हैं ना, वो भी गुस्से में एक दूसरे को गुटखा नहीं देते हैं, समझ में आ गया। अबे तुम तो कश्मीर मांग बैठे पागलों। दूसरी चीज, हमारे इधर ना अबे पब्लिक ट्रेन, लोकल ट्रेन में ना, वसई विरार साइड की कोई ट्रेन होती है, उधर अम्बाला पटियाला की कोई ट्रेन होती है लोकल ट्रेन, अबे वहां पर लोकल ट्रेन में सीट नहीं देते हैं, तुम तो कश्मीर मांग बैठे। और अगर पैर की धूल होती तो फिर भी एक लाख बार सोच के चलो दे दिया होता, मोहब्बत से मांगते तो। अबे तुम तो दुश्मनी में हमसे हमारा मुकुट कश्मीर मांग बैठे हो। हमारा था, है और कूबा तो गांड में तो ले लेना भैंचोद, हमारा था, है और रहेगा। जितनी बार घुसोगे उतनी बार मारेंगे, आ जाओ, प्योर इन्विटेशन है। और रही बात हमारी, हम जैसे पागलों को घंट भर नहीं पड़ता, भैंचोद डंडा डालेंगे, पेलेंगे जितनी बार आओगे। माफ करना, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ जो मेरे सिपाही, चाहे वो पुलिस के सिपाही हैं, चाहे मेरी फौज के सिपाही हैं, चाहे जो भी सिपाही हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो यूनिफॉर्म पर है, जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, कोई सी भी यूनिफॉर्म है, वो इस देश का सिपाही है। अगर इन गद्दारों को मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ ढंग से, या इनके सम्मान में कोई कमी रह गई है, तो मैं आपको वादा करता हूँ, एक कमांडो वचन, एक सिपाही वचन है, जहां मिलूंगा, जब मिलूंगा, आपकी तरफ से अलग से इनकी गांड में डंडा करूंगा, अलग से मारूंगा भैंचोदों को। ना सिर्फ हम जो हैं, हम सिर्फ तिरंगे के सगे हैं, ना हम किसी के उपकार के हैं, ना हम किसी सरकार के हैं, समझ लेना, ना हम किसी के उपकार के हैं, ना हम किसी सरकार के हैं, हम हैं तो सिर्फ हर फौजी, हर सिपाही के परिवार के हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना हम किसी के उपकार के सगे हैं, ना हम किसी सरकार के सगे हैं, हम हैं तो हैं सिर्फ और सिर्फ एक फौजी और एक सिपाही के परिवार के सगे हैं। बस इतना मेरी तरफ से आज जितना हो सका इस भाई से करूंगा, आज भी कर रहा हूं, आखिरी तक इस मिट्टी के लिए लड़ूंगा। और अगर तुमसे ना हो सके तो बताना, ये भाई तो आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ेगा और इस मिट्टी के लिए लड़ेगा, ये वादा रहा तुमसे आज भी और आगे भी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।